नमस्कार बच्चों, मैं दीपा चौहान, विषय हिंदी, कक्षा तीसरी, पाठ दूसरा। यह पाठ एक कहानी है। बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले हम थोड़ी बातचीत करेंगे। आपको पता होगा कि वीर बहादुर किसे कहते हैं? जो कोई साहस, हिम्मत और होशियारी वाला काम करता है, उसे हम वीर कहते हैं। आपने कोई ऐसे टीवी सीरियल, फिल्म में देखे ही होंगे, जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें टप्पू की बहादुरी वाले किस्से आपने देखे होंगे। और दूसरी बात बताऊंगी कि आपने बच्चों की फिल्म है हरी पुत्र क्या देखी है? जो आपने नहीं देखी है तो आपको यह फिल्म जरूर से देखनी है। कभी कभी आपने बड़ों से ऐसी कहानी सुनी होगी और कोई किताब या तो समाचार पत्र में भी पढ़ी होगी। और दूसरी बात यहाँ पर बताऊंगी कि हमारे देश में ऐसे वीर बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार देते हैं और यह पुरस्कार भारत में सर्वप्रथम हरीश मेहरा को दिया गया था। आज ऐसे ही एक साहसी लड़की की सच्ची घटना पर लिखी गई कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी का नाम है रूपा डरी नहीं। रूपा एक निडर लड़की थी, निडर याने न डरने वाली। रूपा को पढ़ने का बहुत शौक था। वह खेल कूद में भी चुस्त थी, चुस्त याने फुर्तीली थी। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ चोर सिपाही का खेल खेल रही थी, जिसमें रुचि, रूपक और मनीष साथ में खेल रहे थे। मनीष चोर बनकर कहीं दूर जा छिपा था। रूपा मनीष को ढूंढते ढूंढते एक गन्ने के खेत में जा पहुंची, गन्ना याने सुगर केन। तो वहां पर उसने क्या देखा? उसने देखा कि मनीष के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे, उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। रूपा तो एक पल के लिए सहम गई याने डर गई। फिर साहस बटोरकर उसने मनीष के मुंह पर बंधा कपड़ा खोल दिया। तभी किसी ने पीछे से रूपा के कंधे पर हाथ रखा। रूपा डरी नहीं, उसने उस आदमी के हाथ को जोर से काटा। दर्द के मारे उस आदमी ने अपना हाथ खींच लिया और रूपा उसकी पकड़ से भाग निकली। वह आदमी भी डंडा लेकर रूपा के पीछे भागा। भागते हुए रूपा की नजर एक पत्थर पर पड़ी। उसने पत्थर उठाया और उस आदमी की ओर जोर से फेंका। निशाना ठीक ही बैठा। सिर पर पत्थर लग गया और वहां से खून बहने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अंधेरा छा जाना यानी कि कुछ दिखाई न देना। और वहां ही वह बेचारा लड़खड़ाकर गिर पड़ा। तभी रूपा ने लपक कर डंडा उठा लिया और जोर जोर से मारने लगी। वह आदमी बेहोश हो गया। रूपा ने भागकर मनीष की रस्सी खोल दी। दोनों ने मिलकर उस रस्सी से वह आदमी को बांध दिया। रूपा की चौकसी वो आदमी की करने लगी। चौकसी याने निगरानी करना। जो आदमी बंधा था उसका वो ध्यान रखने लगी और मनीष गांव वालों को बुलाने गया। इतने में ही सभी गांव वाले वहां पर आ गए। गांव वालों ने रूपा के साहस की बहुत प्रशंसा की, प्रशंसा याने तारीफ। एक आदमी ने बंदी को पहचान लिया। बंदी याने जो बंधा हुआ आदमी था वह, उसको पहचान लिया और बोला, अरे यह तो अपने गांव से ही भागा हुआ वह दुष्ट खचेरू है। खचेरू याने डाकू। इसे तो पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है।
गिरफ्तार करना चाहती है, मतलब कि उसको पकड़ना चाहती है, उसको बंदी बनाना चाहती है। उसी समय पुलिस भी वहां पर आ गई और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। जब शेर को होश आया तो उसने अपने आप को जेल में पाया। उसका मुंह सूजा हुआ था और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। बाद में पुलिस ने भी उसे बहुत मारा। तब जाके उसने पुलिस को बताया कि मेरे कुछ साथी आज रात को मुखिया के घर डाका डालने वाले हैं। यह समाचार मिलते ही पुलिस चौकन्नी हो गई। चौकन्नी होना यानी सावधान होना, वो सावधान हो गई और डाकू के बताए हुए रात के समय पर और वही जगह पर जा पहुंची और पुलिस की जीप वहीं ही जाकर रुक गई। पीछे की ओर से चार डाकू पुलिस को नजर आए और उसने तुरंत ही गिरफ्तार कर लिए। और ऐसे ही सभी चोर हैं वो पकड़ा गए। ऐसे ही रूपा द्वारा सभी डाकू पकड़े गए। इस कहानी का सारांश है, इस कहानी में रूपा अपने साहस से न केवल अपने दोस्त मनीष को बचाती है बल्कि डाकुओं को भी पकड़वा देती है। और दूसरा कि रूपा ने अपनी बुद्धि और हिम्मत से बताया कि छोटे बच्चे भी बड़ा काम कर सकते हैं। आप भी करोगे ना? और इस कहानी में से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सूझबूझ, साहस, निडरता, धैर्य से काम लेना चाहिए। यदि कोई मुसीबत आ जाए तो हिम्मत और जोश के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए और हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। इस कहानी के शब्द अर्थ है निडर यानी न डरने वाला, चुस्त यानी फुर्तीला, सहम जाना यानी डर जाना, साहस यानी हिम्मत, चौकसी यानी निगरानी, प्रशंसा यानी बड़ाई तारीफ, गिरफ्तार यानी बंदी बनाना, चौकन्नी यानी सतर्क और या तो सावधान।